रायबरेली से भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के हजारों लोग जो बाहर से आए हैं, वह गांव-गांव जाकर एक पेपर में जनता से हस्ताक्षर करवा रहे हैं, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, 1 लाख रुपए आपको तुरंत मिल जाएंगे। इस तरह का प्रलोभन देकर यहाँ वोट मांगा जा रहा है, जो आचार संहिता के अनुसार प्रलोभन देकर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस प्रत्याशी इस तरह का प्रलोभन देकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। वह राहुल गांधी के उस बयान पर, जिसमें कहा गया था कि रायबरेली से उनका 100 सालों का रिश्ता है, पर कटाक्ष करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, जो कहते हैं 100 सालों से हमारा रिश्ता है, वह केवल चुनाव के समय ही यहाँ आते हैं। अगर इतना पुराना नाता किसी का हो, तो क्या यहाँ की जनता के सुख दुख में उनको खड़ा होना नहीं चाहिए? 1952 से लेकर 2024 तक कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली की माँ से जन्मे किसी भी व्यक्ति को ना तो टिकट दिया और ना ही राज्यसभा भेजा, अपना प्रतिनिधि भी नहीं बनाया। ऐसे लोग रायबरेली से पुराना नाता होने की बात कहते हैं। राहुल गांधी के दाढ़ी बनवाने को लेकर कहा, ये लोग चुनाव के समय आते हैं और कहीं दाढ़ी बनवा लेते हैं तो कहीं एक पीस जलेबी तोड़कर खा लेते हैं। हमारे दुकान में राहुल सर आए थे और बाल दाढ़ी बनवाए फिर और दाढ़ी बोले कि पास मेरी दाढ़ी बड़ी है, इसको कितनी छोटी करेंगे तो अच्छी लगेगी। हमने बोला आपकी दाढ़ी गजिन है, एक नंबर मार दो अच्छी लगेगी। तो फिर बाद में पूछ लगे आप कहाँ पे काम सीखे, हमने बोला हम तो सरेनी में सीखे, फिर बाद में मुंबई 2006 में मुंबई चले गए, उसके बाद कोरोना के बाद इधर ही लालगंज में शिफ्ट हो गए। तो बोले रायबरेली और मुंबई में क्या फ़र्क है, हमने बोला वहाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा था इसलिए चले गए थे। बोले अभी हमने बोला अभी इधर ही शिफ्ट है, अभी नहीं जाएंगे मुंबई। फिर बाल दाढ़ी और पूछे रायबरेली में सब कैसा क्या है, हमने बोला बस कांग्रेस ही कांग्रेस है। हाँ तो और यही बोले विकास के मामले में सब, हमने बोला अग्निवीर वाला यही सब, मेरे जो बच्चे दौड़ते हैं इनको अग्निवीर में जो परमानेंट कर दो और कुछ नहीं। किसी सेविंग की दुकान पे जाकर के दाढ़ी बनवा रहे हैं, ऐसा क्या है? बिल्कुल सही करें, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं जलेबी का एक टुकड़ा खा लेंगे और कहीं दाढ़ी बनवाने किसी नाई की दुकान पे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद जैसे चुनाव हो जाएगा फिर 5 स्टार सैलून इनके घर आएगा, फिर कभी दाढ़ी बनवाने के लिए किसी नाव को नहीं ढूंढेंगे, फिर 5 स्टार सैलून में इनकी दाढ़ी बनेगी। और हो सकता है इनके परिवार का तो पुराना रिश्ता है, अगर कपड़े धुले जाते थे तो सुना है भारत के धुले कपड़े भी इनके परिवार के लोग नहीं पहनते थे, विदेश से कपड़े धुल करके प्रेस हो करके आते थे तब इनके परिवार के लोग कपड़े पहनते थे। उत्तर प्रदेश रायबरेली और हिंदुस्तान का धोबी इनका नहीं निकलागत, इनका धोबी भी अगर निकलागत तो विदेशी, नौवा भी निकलागत तो विदेशी, खाना भी नीक लागत तो विदेशी, पीना भी नीक लागत तो विदेशी। सम्मानित साथियों, कुछ बचा नहीं जो इनका देश का हो। देश के बाहर जाएंगे, सम्मानित साथियों, देश के बाहर जाएंगे तो देश की बुराई करेंगे और विदेश की तारीफ करेंगे। वायनाड जाएंगे तो अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे, वायनाड बहुत अच्छा है। जो अपना खुद का गांधी परिवार अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, कल जनसभा के दौरान एक महिला ने कहा था कि राहुल जी अभी तक आपने शादी क्यों। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।